हेलो क्लास 10 सेशन 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट में आज हम देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है कि एक तरीका होता है या तकनीक होती है जिनके थ्रू हम स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, है ना। तो किस तरीके से हम स्ट्रेस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाए या स्ट्रेस हमारा कम हो जाए, है ना। सो देयर आर मेनी टेक्निक्स अवेलेबल टुडेज विच वी कैन यूज़। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए। एंड फॉलो टू रिड्यूस अवर स्ट्रेस लेवल्स द टेक्निक्स दैट यू आर यूजफुल इन हैंडलिंग एंड मिनिमाइजिंग द फिजिकल एंड इमोशनल मिनिमाइजिंग द फिजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर्स एंड टेंशन्स इन एवरी डे लाइफ आर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो स्ट्रेस लेवल को दूर करने की जो टेक्निक्स होती है उनको हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कहते हैं। सो पहला आपका टेक्निक है फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है, आपके बॉडी मूवमेंट्स की तरफ आप ध्यान देते हैं और जो टेंशन्स होती है उनको हम इग्नोर करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, जिससे कि आप एनर्जेटिक या फ्रेश फील करते हैं और आशावादी भी होने लगते हैं। और इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज करने से आपका जो स्लीपिंग है वो भी इम्प्रूव होता है और एक अच्छी नींद लेने के बाद में आप नेचुरली आप गुड फील करते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होता है, है ना। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज करने से एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं एंडोफिन्स। ये एंडोफिन्स जो केमिकल होता है ये आपको फ्रेश या गुड फील कराता है। फिजिकल एक्सरसाइजेस हेल्प बूस्ट टू प्रोडक्शन ऑफ अवर ब्रेन्स फील्स गुड neurotransmitters, neurotransmitters called endorphins. When we do physical exercises, we concentrate on body's movement and forget the daily tensions, resulting in more energy and optimistic. जिससे कि हम बहुत ज़्यादा energetic feel करते हैं और exercises improves our sleep. Exercise से हमारी sleep नींद भी हमारी improve होती है, नींद अच्छी आती है, which is often affected by a stress, जो जिससे कि stress को handle करने में या stress को manage करने में help होती है। फिर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भी एक स्पोर्ट्स से भी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है जिससे कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। ये केमिकल रिलीज होता है एंडोर्फिन्स नाम का। ये स्पोर्ट्स करने से आप टीम में खेलते हैं तो टीम के और भी टीम मेंबर से मिलते हैं, आप कम्युनिकेशंस करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट को आप शेयर करते हैं, एक दूसरे से मोटिवेशंस मिलता है, आप कोई गोल्स कुछ गोल्स होते हैं आपको, आप जिनको अचीव करने के लिए आप तैयारी करते हैं, तो जिससे कि आपको क्या एक आशावादी प्रेरणा मिलती है स्पोर्ट्स करने से, है ना। स्पोर्ट्स टू आर फिजिकल एक्टिविटीज दैट हेल्प अवर बॉडीज रिलीज एंडोफिन्स। वही बात हो गई कि बॉडी हमारी एंडोफिन्स रिलीज करता है फिजिकल एक्टिविटी होने से। रिलीज ऑफ एंडोफिन्स हेल्प ऑफ रिलीज टेंशन फ्रॉम अवर माइंड एंड बॉडी। तो ये माइंड ये जो एंडोफिन्स है ये आपको बॉडी बॉडी में से टेंशन फ्री कराता है, माइंड को आपको टेंशन फ्री कराता है। बीइंग अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स टीम हेल्प बिल्ड वंस सेल्फ इस्टीम्स। स्टडीज हैव शोन दैट स्पोर्ट्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। ये तो है ही, स्पोर्ट्स से आपको नींद अच्छी आती है, नींद इम्प्रूव होती है, स्लीप आपकी इम्प्रूव होती है, विच इज़ लिंक टू अवर वेल बीइंग। तो जो कि हमारे शरीर से हमारे बाकी के बहुत ही रिलेटेड है, क्योंकि नींद आपका बीमारी का एक जड़ हो सकता है। अगर जिसको नींद नहीं आती है उसे बाकी की बीमारियाँ भी अफेक्ट करती है। प्लेइंग अ टीम सपोर्ट्स गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ न्यू फ्रेंड्स हु शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट। तो वहाँ पर आपको स्पोर्ट्स में और भी लोग मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। Being around people who are share mutual goals so motivate us and releases us reducing stress and anxiety. तो इस तरीके से आप स्ट्रेस को रिड्यूस और जो आपके मन में डर है उन सबको आप रिड्यूस कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं, डर दूर हो सकता है। उसके बाद है योगा। अब योगा भी आपको योगा में क्या होता है कि आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को और आपकी जो स्पिरिट है, आपकी आत्मा जो, आप उनको एक जगह लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ना। और ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, ब्रीदिंग कंट्रोल करना होता है ना, आसन्स होते हैं, बॉडी स्ट्रेच होती है आपकी, तो एक फ्रेश फील होता है जिससे, है ना। सो योगा इज ब्रिंगिंग टुगेदर द माइंड्स बॉडीज एंड स्पिरिट। द कंट्रोल ब्रीदिंग मेडिटेशन फिजिकल आसन्स एंड स्ट्रेचिंग रिलैक्सेस
and provides relief from stress and increased productivity. इस तरीके से स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलता है. फिर बात कीजिए मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन आप जानते हैं कि मेडिटेशन होता है क्या है कि आप एक रिलैक्स पोजिशन में आप बैठ कर आपके जो माइंड को है, आप माइंड के जितने भी थॉट्स हैं आप उन सभी को दूर करते हैं. आप कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते हैं आप, और जो भी जितने भी ख्याल हैं उन सबको दूर करके आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, है ना. मेडिटेशन इज अ सीटिंग इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन एंड क्लियरिंग अवर माइंड ऑफ ऑल थॉट्स. द माइंड स्टॉप फॉलोइंग एवरी न्यू थॉट्स इट कम्स अक्रॉस. बाय लर्निंग टू काम अवर बॉडी एंड माइंड अवर फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. तो मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल होता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए. टेकिंग अ ब्रेक, अब टेकिंग अ ब्रेक का क्या मतलब है कि आप अगर कोई कंटिन्यूसली कोई काम कर रहे हो तो बीच बीच में आप थोड़े थोड़े ब्रेक ले, जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुन ले, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा टहल ले, या थोड़ी देर के लिए आप कोई बुक रीड कर ले, मतलब जिससे कि आपको कंटिन्यूशन में काम कर रहे हैं जिससे बोरियत फील ना हो, है ना. Taking a break from your regular routine is a useful technique of lowering stress, especially if the stress is being caused by your work. आप डेली रूटीन के काम से बहुत बोर हो जाते हैं ना. स्मॉल ब्रेक्स हेल्प योर रिलैक्स, तो छोटा सा एक ब्रेक लेंगे तो आपको रिलैक्स फील होता है. इन द स्मॉल ब्रेक्स यू कैन टेक अप रिलैक्सिंग एंड रिजुवेनेटिंग एक्टिविटीज लाइक रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड एनी अदर एक्टिविटीज. तो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको फ्रेश फील हो वो आप कर सकते हैं. दैट डज नॉट मेक मच टाइम, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है वो एक्टिविटी, और आपका मूड भी है जो फ्रेश हो जाता है एंड गिव्स यू रिलैक्सेशन एंड जॉय. उसके बाद बात करेंगे नेचर वॉक की. तो नेचर वॉक क्यों ज़रूरी है, आप जैसे थोड़ी देर के लिए अच्छे जैसे गार्डन में, ग्रीन गार्डन में आप टहल लेंगे तो उसकी वजह से भी आपको फ्रेश फील होता है. गोइंग फॉर अ वॉकिंग इन अ नेचुरल सराउंडिंग हैव ऑलवेज प्रूवन थेरापेटिक. नेचर वॉक्स हैव प्रूवन टू कंट्रोल स्ट्रेस लेवल्स एंड इंक्रीज फील गुड हारमोन्स इन द बॉडी. तो जिससे कि गुड हारमोन्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, जो फील बॉडी को गुड फील कराते हैं, ऐसे हारमोन्स आपके इंक्रीज होते हैं नेचर वॉक करने से. सो आप जैसे हफ्ते में जो सो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, मतलब दो या तीन बार आप इसको प्लान कर सकते हैं. डू प्लान फॉर टेकिंग सम नेचर वॉक एंड स्पेंड टाइम इन अ बिग पार्क, जैसे पार्क में है या फॉरेस्ट एरिया में या बॉटनिकल गार्डन में, ऐसी जगह जाके आप वॉक कर सकते हैं, नेचर वॉक ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए. उसके बाद भी जैसे हॉलीडे या वैकेशनिंग है, तो हॉलीडे प्लान करना भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, या फिर स्ट्रेस को दूर करने का एक तरीका है, जिससे कि आपका मूड पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है. दो चार दिन के लिए आप कहीं हॉलीडे या वैकेशन से होके आते हैं तो आपको काम करने का तरीका और जो आपका enthusiasm है वो बढ़ जाता है ना. स्टडीज दैट हैव शोन दैट टेकिंग ब्रेक फ्रॉम रूटीन एंड हॉलीडेज एंड वैकेशनिंग हैव मेनी हेल्थ बेनिफिट्स. हॉलीडिंग एंड वैकेशनिंग लोअर स्ट्रेस लेवल एंड कंट्रोल क्रिस्टल्स इन अवर बॉडी, सॉरी कार्टिसोल्स इन अवर बॉडी, है ना. इट ऑल्सो रिलीज फील गुड हारमोन्स इन अवर बॉडी एंड मेकिंग अस फील रिलैक्सड एंड स्ट्रेस फ्री. तो एक कार्टिसोल जो है एक जिसको हम स्ट्रेस हारमोन्स कहते हैं, और ये हमारे बॉडी में स्ट्रेस को ये बढ़ाता है ना. सो इट इज़ रिलीज इन आवर बॉडी व्हेन देयर आर इंक्रीज स्ट्रेस लेवल. जब हमारा बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है तभी ये कार्टिसोल नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है. अब बात करेंगे कि टिप्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या टिप्स होते हैं. तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स में ये स्ट्रेस होता क्यों है. तो काफ़ी सारे मतलब कारण होते हैं, जैसे कि उनको एकेडमिक रिजल्ट को लेके वो, या फिर अपने करियर की चिंता को लेके, या फिर अपने असाइनमेंट्स को लेके, या अपने रिजल्ट को लेके, एग्जाम मार्क्स को लेके, घर पे पेरेंट्स का प्रेशर होता है, बाकी और भी चिंताएं होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो खुद को स्ट्रेस में फील करते हैं, खुद में स्ट्रेस महसूस करते हैं ना. तो जैसे कि सोशल फैक्टर्स है, सो फैक्टर्स लाइक पीयर प्रेशर, मतलब अपने अपने फ्रेंड्स के नंबर्स को देख के,
इस तरीके से टेंशन आते हैं, बैलेंसिंग एकेडमिक लाइफ को आपको बैलेंस भी करना है विद सोशल लाइफ के साथ में, है ना. इश्यूज लाइक बुलिंग, जैसे कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, इस तरीके के इंक्रीज्ड वांट्स टू अनरियलिस्टिक वांट्स एंड सो फॉर्थ. एकेडमिक फैक्टर्स तो होते ही होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, जैसे कि प्रेशर होता है, डेडलाइंस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, एग्जाम का प्रेशर्स होता है. तो इस तरीके से ये एकेडमिक फैक्टर्स होते हैं, और अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती किसी को, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स में स्ट्रेस आता है. अब इनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए. पहला पॉइंट है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट्स ने अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि आपको रिलैक्स करने के लिए भी टाइम मिले, आपको स्टडी के लिए भी आप प्रॉपर टाइम कर ले रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, सब आपका एक शेड्यूल्ड होना चाहिए, है ना. डिजाइन एंड स्टिक टू एन अप्रोप्रिएट टाइम टेबल इन कीपिंग माइंड योर वर्कलोड. मतलब आपको जितना वर्कलोड है, वर्क प्रेशर के अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं. एसेंशियल ब्रेक्स रिक्वायर्ड एंड सम रिलैक्सेशन टाइम टू, मतलब इसमें आपका रिलैक्सेशन टाइम भी इंक्लूड होना चाहिए, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ भी आपकी सब होनी चाहिए, साथ में आपका वर्क का जो है उसका भी आपका टाइम एक मैनेजमेंट शेड्यूल होना चाहिए. उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज, तो फिजिकल एक्सरसाइज आपको लेना ही लेना है, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, आप पर एकदम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है ना. मेक श्योर टू एक्सरसाइज अ डे एटलीस्ट, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज विल रिलीज एंडोर्फिन्स एंड यू फील मोर रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट टू हैंडल स्ट्रेस. तो आपको एक रिलैक्स्ड फील होता है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. फिर पॉजिटिव थिंकिंग, तो पॉजिटिव थिंकिंग तो बात रहती है, ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही सोचना है, कभी निगेटिव नहीं सोचना है. अगर आप निगेटिव ही सोचते रहेंगे तो आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा, है ना. यू हैव अर्लियर रीड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, एक्सरसाइज पॉजिटिव थिंकिंग इन योर लाइफ एंड यू विल नो लॉन्गर फील द स्ट्रेस. तो अगर पॉजिटिव थिंकिंग आप रखते हैं तो आप स्ट्रेस को भी कम महसूस करते हैं, स्ट्रेस नहीं आपको अटैक ज़्यादा होता है. सो गो स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप क्यों जाना है कि अगर कोई बहुत बड़ा टास्क है आपको करना है तो आप वन बाय वन एक एक स्टेप्स को लेके, मतलब छोटे छोटे कोई भी टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप उसकी इसी काम को आप कर सकते हैं. जैसे इफ़ अ बिग टास्क और असाइनमेंट इज कॉज ऑफ योर स्ट्रेस, कोई बहुत बड़ा काम आपके पास है उसकी वजह से आप स्ट्रेस में महसूस कर रहे हैं, देन प्लान देन टेक स्मॉलर स्टेप्स वन एट अ टाइम. तो एट अ टाइम सिंगल सिंगल स्टेप को आप करें, छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करें, विद द प्रोग्रेस यू विल फील लेस स्ट्रेस एंड मोर कॉम्पिटेंट टू हैंडल द स्ट्रेस. तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं. उसके बाद में एक्ट स्मार्टली का मतलब क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए आप जैसे मैनेज करें, जैसे कोई भी आपके पास में काम है तो जैसे टफ वाला पार्ट आप पहले कर ले, मतलब स्मार्टली किसी भी तरीके को किसी भी काम को बहुत स्मार्टली हैंडल करें. समटाइम्स यू हैव टू डू समथिंग इन विच सम पार्ट ऑफ चैलेंजिंग फॉर यू, कुछ ऐसा पार्ट है जो बहुत आपके लिए चैलेंजिंग है. इफ दिस इज अ रीज़न फॉर योर स्ट्रेस देन एक्ट स्मार्टली, अगर यही आपके स्ट्रेस का एक कारण है कि आपके पास एक चैलेंजिंग वर्क आ गया है तो फिर आपको स्मार्टली बिहेव करना चाहिए. ट्राई कंप्लीटिंग द ड्रेडिंग पार्ट फर्स्ट, मतलब जो कठिन पार्ट है जो आपको टफ लग रहा है आप उसको पहले कंप्लीट कर ले. वंस इट इज डन यू विल फील मच रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री. तो अगर आपको पता है कि हाँ हमारा कठिन वाला काम तो हो ही गया है, बस अब इजी काम रहेगा, तो इससे आप खुद ही आप रिलैक्स फील महसूस करते हैं इससे. उसके बाद में स्पेंड रिलैक्सिंग टाइम, तो रिलैक्सिंग टाइम आपको स्पेंड करना ही, क्योंकि रिलैक्सिंग बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपको टाइम देना ज़रूरी होता है, है ना. इट इज़ एसेंशियल टू स्पेंड सम टाइम्स विच इज़ वेरी रिलैक्सिंग फॉर यू एंड समथिंग दैट यू इन्जॉय, जैसे कि स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बातें करो, फैमिली के साथ बातें करो, नेचर वॉक पे जाओ, taking some sports and adventure activity and so forth. Such activities reduce your stress hormones and release feel hormones and you will more be equipped to handle stress. तो इस तरीके से आप स्ट्रेस को हैंडल करेंगे रिलैक्सिंग टाइम निकाल के. उसके बाद में टेक गुड डाइट. अब ये डाइट आपके लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब आप स्ट्रेस में हो तो किस तरीके का आपको डाइट लेना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना. तो गुड फूड की बात करें, जैसे मिल्क है, फिश है, होल ग्रेन्स है, नट्स है, विटामिन सी फ्रूट्स है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स और बनानाज है, लीफी ग्रीन्स है, वाटर्स पीना चाहिए, गर्म वाटर, वार्म वाटर, है ना, और चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स है. तो ये सारी चीज़ें आपकी
गुड फूड में आती है। और फिर इसके अलावा जैसे बैड जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जब आपको स्ट्रेस होता हो तब आपको क्या नहीं खाना है, जैसे जंक फूड है, फास्ट फूड होता है, तो इस तरीके की जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हो आप, केक खा रहे हो, कैंडीज खा रहे हो, तो ये सभी अच्छा नहीं होता है।